रहा था कि हम दोनों जब तैयारी कर रहे थे स्क्रिप्ट पे तो बार बार मुझे कह रही थी कि सर मुझे बताइए कि इसको हम कैसे अब क्योंकि गोदान के बारे में इतनी बात कह दी गई है इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए सीधा पढ़ती हूँ ठीक है गोदान जो है उसके जो किरदार हैं जो नायक और नायिका हैं नायक का नाम है होरी और नायिका का नाम है धनिया और आगे कहानी पढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा कि उनके तीन बच्चे हैं और दो भाई हैं होरी के मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए किताब पढ़ती हूँ एक्ट्रेस हूँ अभी एक्टिंग करके थोड़ा पढ़ूँ कि जी होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा गोबर की ओख गूंढने भेज देना मैं न जाने कब लौटूं जरा मेरी लाठी दे दे धनिया ने दोनों हाथ गोबर से भरे थे उपले पात कर आई थी बोली अरे कुछ रस पानी तो कर लो ऐसी जल्दी क्या है होरी ने अपने झुरियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा तुझे रस पानी की पड़ी है मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो और आज ना जाओगे तो कौन सा हरज होगा अभी तो परसों गए थे तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख देख इसी मिलने जुलने रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है नहीं क्या पता न लगता कि किधर गए जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा उसकी खुशामद क्यों करें उसके तलवे क्यों सहलाएं यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो कितने ही पेट तन काटो चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है फिर भी वो हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की 3 लड़के बचपन में ही मर गए उसका मन आज भी कहता था अगर उसकी दवा दारू होती तो वो बच जाते पर वो एक धेले की दवा भी ना मंगवा सकती थी उसकी भी अभी उम्र ही क्या थी 36वां ही साल तो था पर सारे बाल पक गए चेहरे पर झुरियाँ पड़ गईं सारी देह ढल गई थी वो सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आँखों में भी कम सूझने लगा था पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला इस चिरस्थायी जीर्ण शस्ता में उसने आत्मसम्मान की उदासीनता का रूप दे दिया था जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था उसने परास्त होकर होरी की लाठी मिर्जई जूते पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता छलक पड़ी धनिया ने लजाते हुए कहा हाँ ऐसे तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया अभी तो 40 भी नहीं हुए मर्द 60 पर पाठे होते हैं जाकर शीशे में मुंह देखो तुम जैसा मर्द 60 पर पाठे नहीं होते दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं पाठे होंगे तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा किसके द्वार पर भीख मांगेंगे होरी की वो क्षणिक मधुरता यथार्थ के इस आँच में जैसे झुलस गई लकड़ी संभालता हुआ बोला 60 तक पहुँचने की नौबत ना आएगी धनिया इससे पहले ही चल देंगे धनिया ने तिरस्कार किया अच्छा रहने दो अब मत असगुन मुंह से निकालो तुमसे कोई अच्छी बात तो कही नहीं जाती तो लगते हो कोसने होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला
तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे दूर तक देखती रही। ये हुआ इंट्रोडक्शन हमारा होरी और धनिया का, उनके प्यार का, उनके नोकझोंक का। इसके बाद होरी जब आगे जाता है तो उसे गांव का एक भोला नाम का व्यक्ति मिलता है। वो शहर से दो गायें खरीद के लाता है और कहता है कि मुझे एक गाय दे दे। तो भोला कहता है कि 80 में खरीदी है भाई, तू 80 रुपये में ले ले। तो होरी कहता है अब 80 रुपये तो है नहीं मेरे पास, लेकिन दादा मैं ना एक काम करता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके देता रहूँगा। मैं आपको कहानी काफ़ी लंबी है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट बता रही हूँ। तो ऐसे करके होरी के घर गाय आ जाती है। होरी के घर गाय आ गई, वो मान गया, भोला मान गया। भोला ने कहा चलो ठीक है, तू आधे आधे पैसे दे देना। अब ये जो भोला है, इसकी जो बेटी है झुनिया, भोला की बेटी जो झुनिया है, वो होरी के बेटे गोबर के संग इश्क करती है। ये अभी तक कहानी में किसी को पता नहीं है, लेकिन गोबर जब उसके घर से गाय लेने जाता है भोला के यहाँ से, तो हमें थोड़ा उस बात का पता चलता है। तो गोबर गाय लेने गया है और गाय लेकर वापस आ रहा है। और सोना और रूपा जो होरी और धनिया की दो बेटी थी, अब उनका इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया है। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनने की सुरखरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुए जाती थी, ये उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना, तू तो कहती थी कि गाय भागी आ रही है, मैंने ही कहा था कि भैया है। फिर दोनों बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने लगी। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रयत्न करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी, नहीं पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें, बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी, तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई, अरे सुहाइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरा मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई, होरी बोला। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी, इतनी बड़ी संपदा उसके साथ कोई नई बाधा ना लाए, शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो, भगवान के मन की बात है। मानो वो भगवान को भी धोखा देना चाहती थी, भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पल्ला ऊंचा करने के लिए कोई नई व्यक्ति भेजते। बस अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विहाल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी के घर में पर्दापण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया, ये सौभाग्य न जाने किसके पूर्ण प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्यों हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है, अरे बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ, पागल ना बनो, गाँव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई, जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो, संसार भर की विद्या तुम्हें नहीं पढ़ी। होरी सचमुच आपे में न था, गऊ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे हुए देखकर पूछे, ये किसका घर है, और लोग कहे, होरी महतो का, तभी तो लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे, आंगन में बंधेंगी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सशंक थी, वो गाय को सातों पर्दों से छुपाकर अंदर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वो उसे कभी बाहर ही ना निकालती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी, पर इस पक्ष पर अड़ जाता था, धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक ना चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई, गोबर सोना रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक
विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था, गाय डोली में बैठकर तो आए ना थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे। जिसने सुना सब काम छोड़कर दौड़ने आए। ये मामूली देशी गांव नहीं है, भोला के घर में 80 रुपये में आई है। होरी 80 रुपये कहाँ से देंगे, अच्छी 50-60 रुपये में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय भी आना एक अभूतपूर्व बात थी।